পরা পরম গুরু বে নম পরা মৃত্যু গুরু বে নম দক্ষিণে কানে যায় নম বুদ্ধি পরমুখী माता नमो नमः माता की हमें माता की महाकाय जम्बूदर गजानन विघ्ननाथ परम जीव धीरम्बी जननाथ स्वचंदन बंधा पुष्प नम सूर्य दिवाय नम हमें कृष्णा जी ने बुलाए और माता के प्रोग्राम में बुलाए, हमें किन्नरों पे अच्छा लग रहा है। मुझे इतने सम्मान हमें दिया गया, यहाँ पे इज्जत दिया गया, बाहर तो हमें अनादर किया जाता है, बस कृष्णा जी ने हमें प्यार से बुलाए, देवी के प्रोग्राम में हमें अटेंड कराया, हमारे हाथों से दीप को जलाया गया, हमारा हार से हार फूल स्वागत किया गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जगदम्बा इसे जो अच्छा रखे करके आज आपको गरबा खेलने का भी मौका मिल रहा है, पूरा परिवार पूरा समाज के साथ, जो समाज में आपको हमेशा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब किनारे करते हैं, लेकिन पूरा समाज से जुड़ने की कोशिश किया कृष्णा जी ने, मेरा भयंकर से स्टार्ट हुआ, किस तरह से आप देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी समाज लोगों को? जैसे अभी हमें देखो कृष्णा जी ने इतने प्यार से अपने पंडाल में हमें बुलाए हैं, हम किधर भी आते हैं हमें सब लोग अनादर करते करके, हमें ये शुक्रिया कर धन्यवाद करते हैं कृष्णा जी का, हमें यहाँ पे गरबा खेलने का भी मिल, अपनी जो दिल की फीलिंग्स है हम यहाँ पे खेल भी सकते हैं, अपने आप को देख भी सकते करके। बाहर जाए तो सब लोग यहाँ की जो पब्लिक रहती है, बाहर की पब्लिक की अगर जाते हैं तो हमें अनदेखा करते हैं, अरे सिर्फ ये किन्नर कहाँ से आ गए, इन्होंने बिना भेदभाव किए हमें यहाँ पे बुलाया, हमारे दिल से बहुत शुक्रिया धन्यवाद, एक इज्जत दिए गरबा खेलने के लिए भी हमें बोले है गरबा खेलिए करके, और तो दिल से शुक्रिया। नहीं अभी देखिए कृष्णा जी हमें बुलाए तो हमें बहुत अच्छा लगे, अगर वो अगले साल हमें नहीं भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे, हमें मालूम पड़ा यहाँ पे कृष्णा जी का पंडाल लगा है, बिना बोले हम आ जाएंगे करके। कृष्ण जी आप कितना बोला, इतनी सारी खुशियाँ मिल रही, दुआएं मिल रहे हैं, इंसान की दुआएं तो मिलते ही मिलता है, लेकिन आपको समाज से भी दुआएं मिल रही, क्या बोलना चाहते हैं? मैं इनके लिए सच में मैं इनका दिल से शुक्रिया करता हूँ, जो इन्होंने मुझे एक काबिल समझा, और मैं इनके बारे में हमेशा ही मैंने तो मन में ठान लिया है कि इनके बारे में मैं सोचूंगा, और मेरे से जितना बनेगा मैं इनके सेवा करते रहूंगा। सर मैं सबसे पहला सबको नवरात्र की बधाई देता हूँ, और उसके बाद मैंने काल पिक्चर सुशांत सिंह का जो पिक्चर देखा था, उसके बाद मेरे मन में एक भावना जागी कि सच में यार उनको हमने कितना निगलेक्ट किया हुआ है, कितना दूर हमारे नज़र से किया हुआ है, जबकि वो माता जी की कृपा से ही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जब उनको वहाँ से ही जन्म उस दिश में आया है और हम उनको वो नज़र से देखते हैं, तो वो नज़र से मुझे हमें नहीं देखना चाहिए, जैसा हम सब लोग को प्यार करते हैं ऐसा उन्हें भी प्यार करना चाहिए, उनको भी हमको सम्मान देना चाहिए, जो 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 पहले से ही अंदर से टूटे हुए अगर हम उनको सम्मान देंगे तो उनका जो टूटना है वो दूर हो जाएगा, और एक मेरे ख्याल से सब मिलके अगर हमको उनको सम्मान देंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, तो वो हिसाब से मैंने सोचा था कि माता जी के समय उनको बुलाऊंगा और उनका मान सम्मान करूँ। ऐसा देखा जाए दुर्गा पूजा बहुत पहली बार ये मीरा रोड में बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी धूमधाम से हो रहा है, मीरा रोड के रहवासी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मीरा रोड के रहवासी को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हम दुर्गा माता को हम दिल से चाहते हैं, दिल से पूछते हैं, तो हमें एक माता जी के यही अवसर पे हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए, हमें एक मेजोरिटी बना के रहना चाहिए, एक यूनिटी में रहना चाहिए, जिसमें कोई धर्म भाव जात पात या कोई भी चीज़ का हमें नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ इसमें इंसानियत देखनी चाहिए, और इंसानियत देखने के बाद अगर हम सब मिलके इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से सबको प्यार दे, और सब जैसा वो आपने सुषमा सिंह पिक्चर देखा होगा उसमें हमको
जानने पे मजबूर किया है कि उनके साथ कितना नाइंसाफी होता है, लेकिन जबकि उनका कसूर नहीं है कुछ। जब भगवान ने उनको बनाया है तो हम उन्हें क्यों उस नज़र से देखें? हमें उन्हें अच्छा देखना चाहिए, हमको भी उनको मान सम्मान देना चाहिए, वो भी हमारा एक परिवार बोल के हमको उनको साथ रखना चाहिए, उनके हर सुख दुख में हमको उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि बाबा तुमको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और उनको हमेशा समाज में रहने का अधिकार देना चाहिए। जब भगवान ने उस चीज़ को नहीं संभाला तो हमें कुछ नहीं।